सबको काट डालूंगा। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के एक साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्व अनुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपनी माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते है। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते है, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है, जिसे वह गलत समझती है।
इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते हैं, जिससे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्यु शैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि हाँ ठीक है। ए विनोद पानी चले यार, विनोद मार्किंग निकल गया अरे नहीं उधर का पैदा हुआ साड़ी का ऊपर गया। मैम सेंटर यहाँ पे अरे जूते में चिपक गया। ये चले जा रहा है बैठो। अरे मार निकल गया मार। वरुण भाई यहाँ पे विनोद हाथ नीचे ले थोड़ा। वरुण भाई सेंटर डाउन थोड़ा सा। वरुण भाई ऊपर। वरुण भाई नीचे थोड़ा यहाँ पे सामने। आवेश भाई मिले। वरुण भाई यहाँ पे सेंटर में। वरुण भाई भी यहाँ पे। यहाँ पर भाई सामने। ओए वरुण भाई यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट मार्क भाई। वरुण भाई नेक्स्ट मार्क। अरे क्या बात है। मैं थोड़ा ऊपर कैमरा। वरुण भाई सामने। अच्छा इंटरव्यू सामने। वरुण भाई ठीक। वरुण भाई यहाँ पे। वरुण भाई यहाँ पे। वरुण भाई यहाँ पे। थर्ड मार्क। अरे उसको हटाओ यार सब। एक मार्क में तो आएगा। अरे वाला मार्क मत लो ना। कॉपी वाला चेन होता है पीछे से आ रहा है। अरे नाउ थ्रो नीचे कैमरा। साथ में देखो। हाँ तो मान लो ऊपर ऊपर
रख लेके बोले राइट प्लीज नहीं तो मैम एक साथ में कर आई आई बस में आई रेनू में दुर्गा ओके ना ये तो जाके देखिए मैम आपके सेंटर में एकदम रोहित बॉल मैम सेंटर में आइए मैम सेंटर में आइए प्लीज मैम सेंटर प्लीज रोहित थैंक यू रोहित उसका साथी है मैम अगले जाने में आप लोग सेंटर मैडम मैम देखिए मैडम इधर देखिए एक मिनट मैम सेंटर सेंटर मैम बस मत मोबाइल मार रहे तू मैडम इधर राइट में देखिए राइट में मैम सेंटर में चलो मैडम इधर राइट में देखो ना या या मैम यहां पे राइट 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 ना उसके अलावा यहां पे भी यहां पर देखिए सेंटर में यहां पर राइट में मैम सब देखिए देखना उधर लेना भाई मेरे को नाम मैम यहां पे मैम यहां पे मैडम जी एक मिनट इधर तक इधर 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 राइट में मैम नेक्स्ट मार मैम नेक्स्ट मार प्लीज सेकंड मार मैम सेकंड मार दीपक कुछ बैठ गया आराम से मैम यहाँ पे इधर राइट में देखो इधर इधर मैम यहाँ मैम सेंटर में थैंक यू अरे ओ थैंक यू अरे इधर क्या रैंप वॉक चल रहा है अनुभव थैंक यू अरे नाम क्या है नाम है अरे नहीं छापे किसी को बेटा इधर राइट में देखिए आन पर दिख रहा है सोनाक्षी नहीं है समीक्षा क्यों इतना मजा लेता है समीक्षा जी आइए 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 सेंटर 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 समीक्षा या सेंटर समीक्षा जी आवेदक यहाँ पे यो 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 सेंटर डाउन अभी यार यार यहाँ सामने देखिए लुक सेंटर समीक्षा जी यार यार सेंटर सेंटर नहीं है सामने देखिए ना सामने समीक्षा जी यार नीचे नीचे सेंटर समीक्षा आकांक्षा इधर राइट में देखो उधर कौन चलेगा राइट में राइट ये राहुल एक एक राइट 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 में और क्या बोलने रे मार्क पे पड़ो ना ये इधर 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 मैम देखिए राइट में सॉरी सॉरी आवेद चलो नेक्स्ट आ जाओ आ जाओ हाथ मत मारे स्क्विज़ में मैडम मत छापो नीचे चल जाएगा
अरे मैडम मनीष सर आइए बता क्या बात है मनीष सर आपके ध्यान दो विशाल भाई गलती हो गया राइट में देखिए राइट में कनिका कनिका मैम वेट वेट कनिका जी वेट वेट फोटो नहीं मिला कनिका मैम यहाँ पे कनिका जी राइट में कनिका मैम राइट में देखिए रोहित लड़की को हटा यार सब दो दिन के बाद बोलेगा कैमरा मैन भी आए वाला बोलेगा हाँ और कुछ बोलने वाला था लेकिन चुप गया फेमस है भाई अपनी आवाज भक्ति में पे यो यो और है कोई लाइन में अंजलि आनंद है आनंद दीपक हिम्मत थैंक यू तू इन्हें का पूरा टाइप हिलता है थैंक यू क्यों बोल रहा है
लेफ्ट साइड लेफ्ट उधर राइट पर राइट 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 मेरे फ्रेंड दीपक भी नहीं आ रहा सीधा एक बार सीधा मैं आ रहा हूं क्या सर इधर राइट में देखिए रील बना रहे हो फुल फ्रेम राइट साइड मैं भी फुल ले रहा हूं राइट साइड साइड भी करता हूं ना डन नोटिस किया क्या मैडम इधर लुक दो ना सामने आपके ऊपर बालकनी में थैंक यू मिल गया भाई चुम्मा सुना नहीं है स्वाना जी वो आए ने शिवा ब्यूटीफुल स्वाना जी यहाँ पे अरे कौन है नेक्स्ट मार्क नहीं मिला रुकना भाई लुक नहीं मिला जी तो देख लीजिए पहले सुहाना 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 विशाखा Hi Chim, this is your host Samira. Firstly, welcome to our channel. Thank you. Hi Samira. Many congratulations for this reality show. Thank you so much. So, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, what made you choose Big Boss? Big Boss chose me. Mm-hmm. Yeah. Are you comfortable with this show? I am. That's why I'm participating. ओके कैन यू प्लीज टॉक अबाउट योर सेल्फ समथिंग वी नो दैट आपने बहुत सारे टैग्स और यू नो टाइटल्स जीते हो बट देन तो थोड़ा बहुत और बता दीजिए तो आई पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ पेजेंट्स इन द पास्ट टिल 2017 आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन लेबनान इन मिस वर्ल्ड एशिया आई वॉज अ रनर अप एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पेजेंट्री इज दैट व्हेन आई पार्टिसिपेटेड इन Miss Earth in 2016, I got very close with nature. तो वो मुझे अभी तक बहुत अच्छा लगता है आपको क्या लगता है बिग बॉस ने आपको अगर चूज भी किया है सो वॉट इज दैट वन थिंग जिस वजह से आपको चूज किया गया है आपको कुछ तो क्वालिटी पता होगी वाई वॉट इज द रीजन मी लाइक वाई आई एम पार्टिसिपेटिंग I have no idea. I really have no idea. Can we like not okay. Yeah.
Ready? What do I talk about? Yeah. Okay, so, you know, जानना चाहेंगे आपने अगर choose भी किया तो what all quality you have that is why, you know, Big Boss chose you. I think I'll be fun inside. I think I'll be very helpful for the tasks that are given. Yeah. आपने you know इतने सारे titles जीते हो but are you looking for a turning point of your life? Is it that? Actually, I can see that, yeah. This could either make me or break me. So yeah, I was telling my friend also the other day that this could be the turning point of my life, participating in this show. Okay, आप एंट्री कर रहे हो सिंगल बट यू नो वो घर का माहौल ऐसा है कि वहाँ पर या तो दोस्त बन जाते हैं या तो रिलेशनशिप बन जाते हैं क्या क्या फोकस से आप जा रहे हो रिलेशनशिप का तो मैं अभी नहीं देख रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप भाई बहन का ठीक है अंकल आंटी का ठीक है बट रिलेशनशिप नहीं चाहिए मुझे आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट ओके घर में बहुत सारे यू नो काम होते हैं क्लीनिंग को लेके कुकिंग को लेकर कौन सा काम आप नहीं लेना चाहोगे अभी काम अगर वो लोग डिसाइड करके दे दिया तो आई हैव टू डू इट बट आई लव वर्किंग बट इतने सारे लोगों के लिए कभी किया नहीं है तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम एक दो लोगों के लिए करना इज ओके बट सब लोगों के लिए इतने सारे लोगों के लिए कपड़ा क्लीनिंग कुकिंग दैट माइट बी अ प्रॉब्लम जो आपकी क्वालिटीज शायद से बहुत कम लोग जानते होंगे और आपके करीबी लोग ही जानते होंगे बट अगर ऑडियंस को बताना हो आपकी क्वालिटीज तो आप किस तरह से अपने आप को यू नो बताना चाहोगे क्योंकि वो घर में चुप रहने से तो कुछ नहीं चलता आप तो आप में वो एग्रेशन क्वालिटी है नहीं है या यू नो किस तरह की आप हो आई थिंक एग्रेसिव तो सब लोग होते हैं there's nobody in this world जो गुस्सा नहीं करते होंगे but my good qualities if I have to speak about my good qualities I'll say I'm headstrong I know what I want I know how I want it and I'm a fun person पर गुस्सा दिलाने से तो गुस्सा आएगा that's something else जो which we'll see later आपने पिछले कितने season follow किए हो to be honest मैंने Big Boss नहीं देखा बट आई हैव सीन क्लिप्स जो थोड़ा थोड़ा जो क्लिप्स मैंने वो थोड़ा सा देखा इंस्टा फेसबुक वगैरह में सब आते हैं ना तो वो सब आई कौन सा सीजन और कौन सा यू नो कंटेस्टेंट आपके लिए फेवरेट हो सीजन 13 में था सिद्धार्थ शुक्ला एंड सहनाज गिल आई रियली लाइक लव देम दे आर माई फेवरेट एंड मुझे गौहर खान भी बहुत पसंद है पर मुझे याद नहीं वो कौन सा सीजन में था बट आई रियली लाइक हर Also, you know, अभी जितने भी जा रहे हैं you know, contestants होते हैं और जितने सीजन आते हैं बहुत सारे लोग you know, pretend करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला आसिम रियाज और शहनाज गिल बनने की और कई बार बिग बॉस की you know, ये अलार्म भी हुआ है कि you know, किसी फेक नहीं बनना है शो हु यू आर सो क्या कहना चाहूंगी आपकी क्वालिटी या यू नो लोगों की क्वालिटी से कुछ ऐसे मैच सिमिलर होगा या नहीं होगा तो मैं तो यही सोच के जा रही हूँ कि फेक नहीं होना है क्योंकि इतने सारे कैमराज है और इफ़ यू आर गोइंग इन फॉर अ लॉट ऑफ डेज तो कब तक आप फेक रहोगे है ना तो फेक होना है वो तो मैं सोच के नहीं जा रही हूँ जैसे आप हो जैसे मैं हूँ वैसे ही मैं होंगी क्या चैलेंज है जो आप फेस करने वाली हो कभी पर्सनल स्पेस शेयर नहीं किया किसी के साथ तो दैट वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा एंड व्हाट यू विल मिस व्हाट आई विल मिस यस माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स My family and my friends and food, good food. Family of friends. And the comfort of being in my own space. yeah. आपने जैसे कहा कि you know आपका space आप share नहीं कर सकती हो वहां पर हर चीज share करनी पड़ेगी What is that one thing जो आप नहीं share करना पसंद करूंगी Bathroom. Oh, वही main है Yeah. Bathroom and bed also. वेल बेड वहाँ पर ज्यादा नहीं है हाँ. एक ही सिंगल बेड है मैं हाँ. आपको बता दूं वही तो वो होगा थोड़ा सा मुश्किल बट कर लेंगे एडजस्ट मैं पानी की तरह हूँ हर जगह एडजस्ट हो जाती हूँ तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी होपफुली वेल अगर आपको सिंगल बेड नहीं मिलता है देन इट्स लाइक आई लिव विद इट ऐसा कोई इम्पॉसिबल भी नहीं है बचपन से तो पेरेंट्स के साथ सो के
बड़ा हुआ है तो लेके सबसे ज्यादा मुद्दा बनता है घर में किसको लेके हाइजीन को लेकर हाँ आप कितने यू नो आपको या ओसीडी इशू है या यू नो आप कितने हाइजीनिक हो वो हो सकता है बट आई थिंक सब लोग गुड पीपल आर कमिंग सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि लोग साफ ही होंगे गुड पीपल आई मीन से ही होती है चीजें लाइक मतलब कोई आई एम श्योर कोई गंदा रहने वाला लोग तो आएगा नहीं तो बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट द प्लेस एंड एवरीथिंग टू बी क्लीन तो आई थिंक कॉमनर एंट्री करता है देन इस साल नहीं हो रहा है कोई कॉमनर ओ मतलब आप अगर कंटेस्टेंट सब देख कर जा रहे हो तो आपका क्लोज वन कोई है नहीं मुझे अभी तक पता नहीं है बस मैंने ऐसा पता नहीं आएगा कोई बट कौन कौन आ रहा है आई हैव नो क्लू आप टीवी इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा क्लोज हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री से मुझे एक चीज समझ में नहीं आता लाइक सीरियसली टीवी और बॉलीवुड डिफरेंट है ऐसा लाइक आई डोंट सी अ डिफरेंस Okay, you don't see difference, but actors. People, haan, people. Yes. So I don't see it like that, so I can't comment on that. Okay, मतलब नहीं, फिर भी मैं जानना चाह रही थी, you know, कि किस industry से आप सबसे ज़्यादा करीब हो? अभी मैं, I'm doing films and series, तो मैं क्या हूँ? I don't know. मैं अभी Big Boss जा रही हूँ, तो what am I? So I think I'm on the middle ground, yeah. वेल वीकेंड के बाहर के लिए कितने रेडी हो और सलमान खान से मिलने के लिए कितने तैयार हो थोड़ा बहुत नर्वस हूँ एंड वीकेंड के वॉर में एग्जैक्टली कैसा वो होता है आई मुझे नहीं पता है मैंने आपको पहले बोला कि आई हैव नॉट वॉच्ड द एंटायर थिंग बट मेरे फ्रेंड माय बेस्ट फ्रेंड शी इज़ अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस तो उसने मुझे बताया कि वीकेंड के वॉर पे भी वीकेंड के वॉर पे यू गो देयर ड्रेस्ड अप बट उस टाइम पे भी यू Sometimes you have to perform tasks, so that I'm a bit nervous about it. कि कैसा कैसा होगा and Salman Khan से मिलने के लिए बहुत excited बचपन से देखा तो अभी सामने देखेगा तो I'm really excited. Also, you know, family or friends का क्या कुछ reaction था जब आपने बताया कि आप Big Boss में जा रहे हो? They तो are very excited. I think मुझसे ज़्यादा वो लोग ज़्यादा excited हैं because they follow Big Boss. वो लोग वे एक्साइटेड सब लोग कोई मना नहीं कर रहे सब लोग बस बोल रहे हैं कुछ फैमिली वीक होता है शायद पीपल कम तो वो लोग सब दे ऑल मैसेजिंग में कि हमको बुलाओ ओके यस वेल लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे यू नो अगर इफ ये कंट्रोवर्शियल शो है इफ कंट्रोवर्सी होती है सो आर यू रेडी फॉर दैट कंट्रोवर्सी या आई साइन अप फॉर दिस नोइंग कि ऐसा ऐसा होगा वैसा वैसा होगा तो कुछ अगर बुरा भी हुआ तो इट्स ऑन मी कुछ अच्छा भी हुआ तो इट्स ऑन मी सो हाउ यू टेक ट्रोल्स सॉरी हाउ यू टेक ट्रोल्स आई थिंक एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन अगर वो उसके लिए मैं बुरा हूँ तो किसी और के लिए अच्छा हूँ तो टू ईच हिज ओन ओके दैट मींस यू कैन मैनेज या आई हैव बीन लाइक ट्रोल्ड बैक एंड फॉर्थ अप एंड डाउन सो इट्स लाइक कोई बात नहीं इट्स अ पार्ट ऑफ This thing that Social I've signed media. up for you. So yeah, करता है तो I'll take it well. Well, lastly, आप क्या कहना चाहोंगे Big Boss के fans and viewers को? I'm really nervous and scared and excited also. अच्छा लगेगा तो follow my story inside the house and बाहर आके I'll let you know how I feel, how I felt. So thank you. Thank you so much. Thank you. ओके सो लास्टली आप मैसेज क्या देना चाहोगे बिग बॉस के फैंस एंड व्यूअर्स को आई एम रियली एक्साइटेड नर्वस अबाउट दिस जर्नी अभी तो आई विल बी इनसाइड द हाउस बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इफ यू लाइक माय जर्नी इफ यू लाइक मी इनसाइड द हाउस प्लीज सपोर्ट मी सेंड मी लव रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड डू वोट फॉर मी थैंक यू सो मच थैंक यू रोलिंग नायरा आई एम रेडी Silence. Hi Naira, firstly welcome to our channel and many congratulations. एक और reality show अपनी bucket list में डाल रही हूँ. Oh yes, thank you so much. What do you have to say? How much you are excited and what made you choose this reality show? So it's been on my mind for a couple of years since you know I've been getting calls for Big Boss earlier also as all of y'all know. It was almost there like I'm going and then last moment में For some reasons, I could not do it or I, yeah, whatever. But this time, the excitement level was different because I saw a couple of my friends
doing Big Boss. And then when I started watching the show, the truth was, मैंने पहले देखा नहीं था. तो जब मैंने देखना शुरू किया, मुझे इस चीज़ को देख के बड़ा मजा आया कि कैसे एक ही घर में अलग अलग personalities को बंद कर दिया जाता है. It's like lockdown, but lockdown is with your family, family. And this is like with different personalities. बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है ये, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. आप देख सकते हो कि हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल एंड हाउ डज योर ट्रू पर्सनैलिटी स्टैंड आउट अमंगस्ट ऑल द डिफरेंट पर्सनैलिटीज. सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग. एंड मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने लाइफ में भी काफ़ी मदद करेगी. अलग अलग लोगों से किस तरह से डील करना है, कैसे उनके इमोशंस को समझना, उनके पर्सनैलिटीज को समझना, ये बेसिकली एक्टर को भी एनरिच करता है अपने काम में. बिकॉज at the end we are also playing different personalities in real life as an actor in our profession. So I think this is what excited me the most. Well, also you know, इसी के साथ साथ लोगों के साथ तो मिलना ही, लेकिन भिड़ना भी पड़ेगा. उसके लिए आप कितनी रेडी हो? Also you know, one contestant they have revealed yesterday, निया शर्मा. क्या कहना चाहोगे उनके साथ, आपका बॉन्ड कैसा है? I have never really met her, honestly speaking. मुझे पता है निया शर्मा कौन है. In fact, सुहागिन चुड़ैल के लिए like they were in talks with me, and then I came to know that after I couldn't do it, it was Nia and she was the perfect choice for सुहागिन चुड़ैल. So I'm quite I really like her her styling. I like the way she carries herself. I look forward to make friends with her. Challenges और you know जो लोगों से भिड़ना पड़ेगा उसके लिए आप कितनी ready हो? See, ready तो life में हम लोग कितने लोगों के साथ भिड़ते रहते हैं. लेकिन किस तरह भिड़ते हैं वो आपकी क्वालिटी होती है. तो जाके एक्सप्लोर करूंगी. और कुछ क्या एक्सप्लोर करना चाहती हो यू नो इस घर में? ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिग बॉस इज काइंड ऑफ अ प्रेशर कुकर, जहाँ पे आप अपनी एक नई जर्नी को एक्सपीरियंस करेंगे. आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे. आप अपने आप को भी, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करेंगे. तो आई थिंक इट्स गोना बी अ नाइस जर्नी फॉर मी, वेयर आई विल unlearn a few things and I will learn a few things. Well, time ka tandav hone wala hai aur pata nahi ye kuch na kuch to hoga. Time ka tandav jo kuch bhi hoga, kya lagta hai aapko kya ho sakta hai ye time ka tandav? Wo to time hi batayega na. Ek bar andar jayenge sab time hi batayega. Salman Khan se milne ke liye aap kitni excited ho? Bahut excited hu. Ye meri second meeting hogi. First meri meeting us waqt hui thi jab maine Bollywood mein apna launch liya tha. I was launched by Priyadarshan sir with this film called Kamal Dhamal Mala Mal. And he was shooting for Dabang right next to my set. So Priyan sir ki heroine sunke, he agreed to come to meet me and all that. I was a huge fan of him. So main unko mili and mujhe nahi pata wo mujhe yaad kar payenge ki nahi, lekin bahut excited unse fir se milne ke liye. Naira, also you know, log kabhi kabhi Big Boss isliye choose karte hain apne aap ko test karne ke liye, apna mental strength test karne ke liye. Aap kya apna mental strength ya physical strength kya kuch test karne ja rahi ho? Dekho, physical strength reality show, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, टेस्ट तो लाइफ में हम रोज ही एक दूसरे को अपने आप को करते ही रहते हैं. ये टेस्टिंग भी होगा, ये रियलाइजेशन भी होगा, और ये कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैं इतने अलग अलग लोगों के साथ डील करने की हिम्मत रखती हूँ. तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी, एक्सपीरियंस प्लस इट विल लिफ्ट मी इन माई लाइफ आई फील. वेल, वहाँ पर क्लीनिंग, कुकिंग, ये सब के लिए तो बहुत ज़्यादा पंगे होते हैं. आप कौन सा चूज करोगी वर्क और कौन सा नहीं करना पसंद करूंगी? किसके लिए आपके पंगे होने वाले? मैं कुकिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, मैं सभी चूज कर सकती हूँ. मैं एक नेवल ऑफिसर की बेटी हूँ. बचपन से बहुत काम किया है मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाथरूम वगैरह से भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोगों को ज्यादातर सेलिब्रिटीज को देखते हैं, वो देखेंगे. उस सेक्शन का मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी चीजों में आई हैव नो इश्यूज एज ऑफ नाउ. ऑल्सो यू नो, आप सिंगल जा रही हो और अंदर जाने के बाद बहुत रिलेशनशिप बनते हैं, या भाई का बनता है, या यू नो बेस्ट फ्रेंड मिल जाती है, या बॉयफ्रेंड मिल जाता है. आप कितनी फोकस्ड होकर जा रही हो कि आपको सिर्फ बस शो जीतना है, या यू नो अगर कुछ ऐसा मिलता भी है तो इट्स ओके? सी, शो जीतना तो टॉप प्रायोरिटी है. उसके साथ रिश्ते जो बनते हैं वो बेसिकली वो हम कमाते हैं. तो देखते हैं, वो मुझे अंदर जाके पता चले. अभी मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, अब मैं कुछ स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकती, बिकॉज लाइफ में आप काफी सारी चीजें सोच के जाते हो और वो कभी होता नहीं है. वैसे लाइफ विल ऑलवेज गिव यू सरप्राइजेस. इट्स बेटर टू गो विद एन एक्सप्लोरिंग माइंडसेट. हाउ इज नायरा लाइक? इमोशनल है या यू नो बहुत ऐसी गुस्से वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मुंह पर है? आपको क्या लगता है? आप मुझे 4 साल से देख रहे हो.
मुझे लगता है कि मैं इमोशनल अपने बहुत ही क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए हूँ. बिग बॉस में रिश्ते दो दिन में नहीं बनते हैं. करेक्ट. उनको परखना पड़ता है, उन्हें कमाना पड़ता है. तो वो चीज़ इमोशनल आई डोंट थिंक सो उधर होना चाहिए मुझे. बट मेंटल स्टेट का कोई भरोसा नहीं होता है. आप अगेन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, यू कैन नॉट डिसाइड इट, यू नेवर नो कि वहाँ क्या होगा. शायद मैं इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो जाऊँ किसी के साथ. यू नेवर नो. करेक्ट. सो आई एम गोइंग विद एन ओपन माइंड. वेल, किस किस से टिप्स लिया है? आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड निशान भी जाकर आए हैं, उनके उनसे टिप्स लिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है? उन्होंने बोला है जो जो मैंने किया वो सब कुछ मत करना. उन्होंने वो सारी चीज़ें मुझे समझाई है, सिखाई है. द थिंग इज़ मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था और उन्होंने भी नहीं देखा था. एंड ही वॉज नॉट इन द जोन व्हेन ही एंटर्ड. सो ही सैट डाउन विद मी एंड ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नो रियलिटी शो में इट्स मोर अबाउट पर्सनैलिटी एंड यू हैव टू हैव योर ओपिनियंस. इफ यू डोंट हैव योर ओपिनियंस, इफ यू डोंट हैव, इफ यू डोंट शो वॉट योर पर्सनैलिटी इज, वॉट योर थॉट्स आर, वॉट योर माइंड आर, पीपल आर नॉट गोना नो. लोगों को जानने के लिए आपको बोलना पड़ता है, आपको अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने रहते हैं. यू कैन बी साइलेंट समटाइम्स बट नॉट ऑल द टाइम्स. साइलेंट जस्ट वैन ये आपके मुद्दे से और आपके थॉट प्रोसेस से, आपके पर्सनैलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है. देन यू कैन जस्ट डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. बट वैन यू थिंक दैट यू नो यू हैव समथिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, प्लीज डू एंड कॉन्ट्रीब्यूट, डोंट कीप शट. दैट्स व्हाट ही एक्सप्लेन मी. ओके. वेल यू नो सब कहते हैं कि वो घर में एग्रेशन बताना बहुत ज़रूरी है और एग्रेशन का घर है. अगर वहाँ पर चुप रहते तो बहुत जल्दी बाहर निकल जाते. डू यू बिलीव दिस? चुप रहना एंड अग्रेशन दिखाने में एंड ओपिनियनेटेड होने में बहुत फर्क होता है. अग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती अपने ओपिनियन बताने के लिए, और चुप रह के आप अपना ओपिनियन बता नहीं सकते. यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, आई फील. वेल लास्टली जाते जाते वीकेंड के वार के लिए और सलमान खान की क्लास के लिए कितनी रेडी हो? अपुन तो हर एक क्लास, हर एक वीकेंड के वार के लिए रेडी है भाई. ब्रिंग इट ऑन, देखते क्या करना है. लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? बस आपके आशीर्वाद और आपके वेलविशेस के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड गेट द ट्रॉफी होम. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द सपोर्ट दैट यू गिव मी. नायरा, वन लास्ट क्वेश्चन. यू नो जब इस घर में स्टेप इन करते हैं, सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल शो है और जब कंटेस्टेंट्स के बारे में कॉन्ट्रोवर्सी होती है, सो आर यू रेडी फॉर दैट कॉन्ट्रोवर्सी? यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग इन लाइफ एनी विच वेज. कॉन्ट्रोवर्सी रियलिटी शो में हो या रियल लाइफ में हो या पब्लिक में हो या मीडिया में हो, यू हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम. वी आर पब्लिक फिगर्स, वी आर ट्रेन्ड विद दैट. ओह थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. रोल हो रहा है ना? जी जी. हाँ, लाइट, कोई लाइट नहीं दिख रही. नहीं सर, इसमें लाइट नहीं है. अच्छा ठीक. ये थोड़ा खुफिया है. दूसरा क्या है? दिखना नहीं चाहिए दूसरा. इनकी परमिशन के बिना कहा रोल. तो सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन. घोसला का घोसला 18 साल के बाद एक बार फिर से ये थिएटर में आ रही है, हम इसे रिलीज कर रहे हैं. कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? जिस तरह की ये स्टोरी है, कल्टिवेटेड स्टोरी, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा. हम तो सुबह से उछल रहे हैं रात में. बिकॉज नॉट बिकॉज और कोई फिल्म री रिलीज होती तो शायद उतनी खुशी नहीं होती. मतलब खुशी होती कि भाई दोबारा, बट ये पिक्चर लोगों को जितना ज़्यादा देखेंगे उतना अच्छा लगेगा उनको भी और हमें भी. बिकॉज ये अब ये कल्ट क्लासिक है. कल्ट क्लासिक वो बनती है जिसको बार बार देखना, जो कभी पुरानी होती नहीं है. तो जब तक कोई किसी की ज़मीन हड़पे की कोशिश करेगा, जब तक कोई मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास की फिल्में बहुत कम तरीके से कल्ट वाली फिल्म बनती है. वैसे तो हर फिल्म जो ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई है या वासुदा ने बनाई है वो सब बहुत कमाल की फिल्में हैं. मगर ये फिल्म में नॉटीवनेस भी है, स्मार्टनेस भी है और एक रिकॉल वैल्यू भी है. इसके हर डायलॉग तो आपको सब साथ में सुनाई देते हैं. हर सिचुएशन के लिए इसमें डायलॉग है. तो मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन जो जेंजी जनरेशन है, दे विल फील मच मोर रेलेवेंट एंड दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद मच मोर विद दिस फिल्म देन एनी अदर फिल्म ऑफ माई अराउंड 2002 या 1990 के करीब की फिल्म. हाँ, तो जेंजी को अभी ऑनलाइन स्कैम्स ज्यादा पता है. हाँ. बट ये फिल्म देख के उनको हिस्ट्री ऑफ स्कैम्स पता लगेगी कि ऑनलाइन के पहले भी स्कैम्स होते थे. या. और ये भी के जो
फिल्म जो अभी भी रेलिवेंट रहती है वो इसलिए है कि जो मिडिल क्लास फैमिली की जो रिलेशनशिप्स हैं दे कंटिन्यू टू बी द सेम. वो आज की जेंजी के भी रिलेशनशिप अपनी यू नो अपने पेरेंट्स के साथ या जो दो प्रीवियस जनरेशन के साथ वो चीज़ चेंज नहीं हुई है. सो इफ़ यू आस्क मी जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस फिल्म को कल्ट बनाती है रेलिवेंट बनाती है वो है जो मिडिल क्लास फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं और क्लीशे कैरेक्टर्स नहीं है स्टॉक कैरेक्टर्स नहीं है. एक एक ऐसा नहीं कि घर का जो बड़ा है जो घर का मुखिया है वो बहुत ही कुछ एक ईमानदार किस्म का आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है. बड़ा बेटा जो है वो कोशिश करता है कि वहाँ यहाँ भी और बाहर भी जाना चाहता है. छोटा बेटा इज़ मिसफिट कम्प्लीटली. जो बेटी है वो उसका अपना एक इशू चल रहा है. तो हर कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफिकेशन बहुत परफेक्ट है. जो थिएटर अच्छा फिर पूरा वो थिएटर का जो ग्रुप है थिएटर का जो आइडिया जो दिल्ली का वो थिएटर के लोगों को चुनते हैं स्कैम करने के लिए मतलब विलन को ही वो स्कैम करते हैं. तो ये आई थिंक प्लॉट स्टोरी राइटिंग डायलॉग्स कैरेक्टराइजेशन कास्टिंग सब बहुत कमाल का है. बहुत रेयरली एवरीथिंग कम्स टुगेदर इतनी परफेक्टली. बाप बेटों का रिश्ता मेरा रिश्ता इनके साथ मेरा रिश्ता चिरंजी चेरी के साथ अपना प्रवीण दबास के साथ मेरा रिश्ता मेरी वाइफ के साथ मेरा अपना एक स्ट्रगल चल रहा है. वो बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर है. मैंने देखा कि रिश्ते की मैं बात करूंगा मैंने देखा कि हर दो मिनट में हर तीसरे स्क्रीन पे रिश्तों के झगड़े हो रहे हैं लेकिन जो वो प्यारी कहानी को जोड़ के रखता है वो अमेजिंग है अपने आप में. तो आज के यूथ को ये देखना कितना इम्पोर्टेंट है स्पेशली थिएटर में जब आ रही है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है. नहीं जैसा मैंने कहा आपको कि जो ये जो जनरेशनल गैप जो होता है जो हर मिडिल क्लास फैमिली में पाया जाता है आई थिंक वो आज भी है. वो 18 साल पहले 20 साल पहले जब फिल्म बनी तब भी था और 20 साल बाद वो अभी भी आपको मिलेगा. एंड आई थिंक खोसला का कोर इमोशनल कोर जो है वो ये चीज है. डिसफंक्शनल फैमिली हर जगह हर होती है. हाँ थोड़ा बहुत डिसफंक्शन हर फैमिली में हमारी फैमिली में भी है कॉन्फ्लिक्ट सबकी फैमिली में पर उसको इतना बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे करना विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर. व्हाई डू पीपल लाफ एवरी लाइन इज नॉट अ फनी लाइन बट दे लाफ बिकॉज दे फाइंड आइडेंटिफिकेशन विद इट. अरे हमारे यहाँ भी ऐसा होता है. वो मिडिल क्लास का अपर मिडिल क्लास का ये सब जो हैं वो उसका वो मैं सडनली याद आया वो थैले में वो जो बॉटलें लेकर बॉटल्स लेकर आ रहा है बियर की नेबर से छुपा कभी सोचा नहीं बट कड़ंग कुड़िंग कर रही है आवाज़ कर रही है तो वो थोड़ा घबरा रहा है. वही वही इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग मैंने सुना कि ढेर सारी मेमोरी आप लोग इस फिल्म से रिलेटेड आप लोग शेयर कर रहे थे 18 साल पहले 20 साल पहले और अब तो ऐसी कोई मेमोरी है आप लोगों की. मेमोरीज ही मेमोरीज पूरी फिल्म मेमोरीज पर ही डिपेंड करती हैं. मुझे तो ना सिर्फ फिल्म के डायलॉग्स मुझे तो फिल्म बनाते हुए जो जो हुआ वो भी बहुत विविडली याद है. आपको याद है मुझे एक कमरा पीछे होता था जो टेंट होता था आगे फिर पीछे एक रूम भी होता था जहाँ पे आपके याद है आपके फ्रेंड जिनका आप अपने नाम लिया था विजय भी आते थे. कभी कभी वो रूम में मैं आ जाता था आप बुला लेते थे मेरे को अंदर आ जा कूलर लगा हुआ है. सो वो मुझे याद है टेंट जो आगे टेंट लगा हुआ था जहाँ कास्ट का जो एरिया था वहाँ पे हम लोग गेम्स खेलते थे बहुत सारी. अनुपम जी ने इंट्रोड्यूस की थी गेम वर्ड प्ले जो सॉरी क्या वर्ल्ड बिल्डिंग वो खेलना डम शराड्स खेलना. और फिर मेरे को एक बार याद है आपको याद है जब इसने परवीन ने डम शराड में चीटिंग की थी याद है. तो हमने बहुत अच्छे पकड़ा उसको जिंदगी भर के लिए रिश्ते बनाए हमने और बहुत आसानी से पिक्चर बनी भी नहीं. बहुत प्रॉब्लम हुई हम कास्ट को होटल से बाहर निकाल दिया पैसे नहीं दे पाए थे प्रोड्यूसर बट हमारी लॉयल्टी थी फिल्म के साथ तो अपने आप ही प्रोड्यूसर के साथ भी लॉयल्टी. हम नहीं प्रोड्यूसर की बुराई नहीं कर रहे पर प्रोड्यूसर में बड़ा दम था बड़ी कोशिश कर रही थी वो अपना घर का सामान बेच रही थी वो कर रही थी और मुस्कुराती रहती थी. एक बार जिस गाड़ी में हमको लेने आते थे टैक्सी वाले उन्होंने मना कर दिया बिकॉज पैसे नहीं उनके दिए थे बट हम जैसे तैसे जुड़े रहे और इसको फिल्म मतलब इट वाज नॉट इजी टू मेक द फिल्म बहुत हार्डशिप्स थी बट ड्यू क्रेडिट टू अनुपम जी नॉट जस्ट एज लीड एक्टर एज आप कह सकते हैं एज फादर फिगर ही प्लेड पूरी फिल्म की कास्ट को साथ रखना. फिल्म जब बन गई उसके बाद रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो रही थी तब भी मोटिवेटेड रखना सबको. हम मिलते थे आपको याद है ये जो क्या नाम है अंधेरी में जो रेस्टोरेंट है वहाँ हम मिलते थे. अरे मैं नाम ही भूल गया हूँ रेस्टोरेंट का नहीं अपना वो हाँ कोने पे जो अम्बोली में है एनीवे वहाँ मिलते थे
और अनुपम जी really kept us motivated. He helped out with, you know, contacts for distribution also, Burman also. तो हम लोग बहुत अच्छे जुड़े और जिंदगी भर के लिए रिश्ते बनाए हमने. ना सिर्फ फिल्म बनाते हुए, फिल्म की रिलीज के टाइम पे भी we were together as a family. Yeah. And जिस तरह से ये फिल्म हमारी सोसाइटी को दर्शाती है, हमारी सोसाइटी को दिखाती है, हमारी सोसाइटी से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट भी है. लैंड माफिया की बात कर लें, आज उनका दबदबा और बढ़ गया है. अच्छा, चलो फिर पार्ट टू. हाँ हाँ, बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है. जब भी आपको इस तरह लैंड ग्रैबी का कोई भी केस होता है तो उसकी हेडलाइन ही होती है अनदर खोसला का खोसला. हाँ, और अब तो बहुत ज़्यादा हो रही है. जितना ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेंगी, जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, उतना ज़्यादा घपला होगा. मैंने तो इसीलिए बहुत साल पहले डिसाइड कर लिया था, 10-12 साल पहले, कि मैं किराए के मकान में रहूँगा और मैं किराए के मकान में रहता हूँ. सो अच्छा है, रियलिटी के साथ जुड़ी हुई है कहानी. नहीं, मुझे लगता था अब स्कैम ज़्यादा ऑनलाइन होते होंगे. नहीं नहीं, इसमें तो लैंड में तो होते ही होते हैं, काफ़ी लोग हथियार लेते हैं ज़मीन. चलो, आई होप पार्ट टू के लिए सविता जी ध्यान दे रही हैं. इसके लिए पार्ट टू बना रही हैं. मैं साथ, हमको फोन तो आया, बोला है, हमको तो बोला है कि बनाएंगे पार्ट टू. बट फिलहाल हम, वी आर एक्साइटेड अबाउट फिल्म रिलीजिंग, री रिलीजिंग ऑन 18th October थिएटर्स में, इन अ थिएटर नेक्स्ट टू यू. एंड प्लीज गो एंड वॉच इट, बिकॉज यू विल हैव अ ग्रेट टाइम. एंड वॉच इट विद योर फ्रेंड्स एंड वॉच इट विद योर फैमिली. कुछ अपडेट हुआ है सर कि 2 में कब तक शूटिंग होगी? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ अनाउंस किया है कि इंटेंशन है बनाने की. जब आज री रिलीज हो रही है तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम सेकंड भी बनाएंगे. बाकी अभी कुछ आगे स्क्रिप्ट वगैरह अभी कुछ रेडी नहीं है. पर पिछले एक साल से धमका रही हैं कि बनाना चाहती हैं. एंड सर, क्योंकि री रिलीज का दौर है, अच्छी अच्छी फिल्मों को री रिलीज किया जा रहा है, हम देख रहे हैं. अकॉर्डिंग टू यू एंड जी, कौन कौन सी फिल्में ऐसी हैं जो आप चाहते हैं कि आज के दौर में इनसे रिलीज होनी चाहिए ऑडियंस को, वो पर्दे पर? मैं तो पहले जो मेरी नई रिलीज हुई पहले वो कर दो. रिलीज होनी चाहिए जो दूसरी बार वाली नहीं, जो पहली एक बार भी नहीं हुई वो रिलीज कर दो पहले. दरअसल थिएटर्स में रिलीज मिलना आसान नहीं है, इसीलिए लोग ओटीटी स्ट्रीमिंग की वाह. जी जी, हमेशा रेडी. सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन, घोसला का घोसला 18th October को री रिलीज हो रही है. बहुत प्यारी फिल्म है आपके, आपको देखा मैंने इस फिल्म में लैंड की, जिस तरह से आप, पहले बताइए ये जो ट्रेंडिंग में है कि री रिलीज फिल्मों को करना, आप के लिए कितना लकी मानते हैं, कितना अच्छा चीज़ है ये, और कैसे मानते हैं ये आपको ये फिल्म घोसला का घोसला री रिलीज की जा रही है इस बार 18 अक्टूबर थिएटर? एक ज़माना था टेलीविज़न और सैटेलाइट के पहले, हर फिल्म री रिलीज होती थी. जो 50s में जो पिक्चरें मैंने देखी, नहीं देखी थी मेरे जन्म के पहले, हम कहाँ देखने जाते थे, थिएटर में ही जाते थे. तो या तो मैटनी मॉर्निंग शो में होता था 11 बजे का शो, या फुल रिलीज मिल जाता था, री रिलीज एक हफ्ते के लिए या दो हफ्ते के लिए. देवानंद साहब की सारी फिल्में, क्लासिक्स, मदर इंडिया, मैंने कितने री रिलीज हुए थे, मोगले आजम कितने री रिलीज हुए थे. देव साहब अपने अपने कॉमेडीज, किशोर कुमार के कॉमेडीज. तो व्हाट हैपेंड इज, जब टीवी आया संडे पे बहुत सारे पुराने पिक्चर देखने मिलते थे जो हम बचपन में ने चूक गए थे. सो व्हाट हैपेंस विद घोसला घोसला इज, एवरीबडी हैज सीन दिस फिल्म इंक्लूडिंग यंगस्टर्स, सब ने देखी है इस फिल्म. तो ये री रिलीज क्यों हो रही है? ऐसे नहीं कि एक 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 जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स ने पिक्चर नहीं देखी, सबको मौका मिला ये पिक्चर देखने को, या तो DVD, या तो ब्लूरे, या तो सैटेलाइट, या तो शायद OTT पे भी आएगी, या तो YouTube पे भी सीन्स देखे बहुत सारे. तो फिर क्यों रिलीज हो रही है? बिकॉज दिस फिल्म नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड इवन मोर. और ये अगर अब ये जो रिलीज़ हो रही है, मैं तो बोलता हूँ 10 साल के बाद फिर से री रिलीज होगी, बिकॉज एनीथिंग दैट्स गुड डिजर्व्स टू बी शोन टू एवरी न्यू जेनरेशन, एंड दिस इज दैट काइंड ऑफ फिल्म. इट्स गुड सिनेमा, इट्स अ गुड फिल्म. इट्स नॉट अबाउट अ स्कैम, इट्स अबाउट फैमिली वैल्यूज. दिस फिल्म, इट्स अबाउट अ मैन वॉन्टिंग टू मेक हिज घोसला
फॉर हिज फैमिली एंड यू नो हिज ड्रीम्स मे और मे नॉट कम ट्रू, या तो बिकॉज ऑफ खुराना या तो बिकॉज हिज चिल्ड्रन डोंट वॉन्ट टू लिव इन दैट हाउस. तो ये मेरा मानना है कि खोसला घोसला को और लॉन्जेविटी मिल गई है. जी आप मेरी तरफ हाथ कर रहे हैं, आप तो ऐसे आप ऐसे लोग समझें कि मैं कोई कमीना इंसान हूँ. मैं एक बात बताऊं आपको, लाइफ इमिटेट्स आर्ट, आर्ट इमिटेट्स लाइफ, ये हकीकत है. इट इज़ फिल्म्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन सोसाइटी, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन जहाँ पे जो फिशरीज डिपार्टमेंट की जो लैंड में जो गड़बड़ था, वही प्लॉट पे स्कैम हुआ था फिल्म के 2 साल के बाद, उसी प्लॉट पे जहाँ पे हम शूटिंग किए थे उसी प्लॉट का स्कैम हुआ था. तो ये तो होते रहेगा. कॉमन मैन अगर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, एक अपने लाइफ के सेविंग्स लेके खोसला साहब एक छोटा सा प्लॉट बना के अपना एक घर बनाने की कोशिश में है. इफ़ ही इज़ बीइंग स्कैम्ड एंड दैट स्कैम द स्कैमर इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड, एक्चुअली वो जाता है जेल में, उनको खोसला को जेल में डाला जाता है एज इफ गुनेगार वो है. सो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ समबडी विल फील अनप्रोटेक्टेड एंड हैज़ टू यूज द स्कैमर्स मीन्स टू स्कैम द स्कैमर. तो यू फील इफ यू आर इन दैट पोजिशन मेरा क्या हाल होगा. I wish कि सर 18th of October को लोग इसे बड़ी मात्रा में देखने के लिए जाएंगे, प्रोड्यूसर को बहुत सारे पैसे आएंगे, आपको भी मिलेंगे. एंड सर एक जो चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी है, मेहता बॉयज डायरेक्टर जो आपकी लाइफ में थोड़ा डिफरेंट होने जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए. हम शिकागो में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, वहाँ पे हम जीते बेस्ट पिक्चर. या वी आर वेरी प्राउड. मैं कल फिर से जा रहा हूँ टोरंटो कनाडा प्रीमियर के लिए. एंड देन वील बी हैविंग मोर फेस्टिवल्स. रिलीज डेट अभी हम डिक्लेयर नहीं. इंडिया में जो रिलीज़ होगा वो हम थोड़ा बनाएंगे, ऐसे ही कुछ जश्न मनाएंगे यहाँ पे यही रूम में करेंगे. लेकिन आज हम खोसला घोसला के बारे में बात करना ज़रूरी है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द मेहता बॉयज. मैंने लिखी है वो फिल्म, मैंने डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया है. बट वील टॉक अबाउट इन अदर डे विद ग्रेट प्राइड. आई एम एक्सट्रीमली प्राउड. मेरी टीम, माई टीम इज सो हैप्पी. दे आर सेलिब्रेटिंग बिग टाइम. बट वील टॉक अबाउट इट अनदर डे. हम बताएंगे आप. थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू सो मच. थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच. सो नाइस. अरे रवि भाई अरे बैंड के साथ बोले लो, बैंड के साथ बोल रहा हूँ तू यार. हाँ पंचो भाई इधर. मैं तो अच्छी बोलूँगा तुझको, लाइट खराब हो रहा है. ये वीडियो मांगेगा तो क्या करो, इधर सब छाप रहता है. वो तो सुनिए, ये तो चाहिए. चलता है क्या? फोन भी चले ये
फोन है रे पीछे है। हेलो बस का। ए राजा पीछे आ। पीछे जगह नहीं आऊं। पीछे आ। तेरा सर आ रहा है मेरे फ्रेम में। पीछे बहन चो भाई। हाँ ले भाई विजुअल ले लो ले लो और ले लो। वेट वेट सेंटर में पंचो भाई सेंटर सेंटर में आप इधर सेंटर बिल्कुल यही तो है और कोई यही नहीं तो क्या करेगा। थैंक यू। चलो डन लाइट बंद कर मेरा अरे बेटा ये दिस साइड करके टाइपो डील रहा है भाई पीछे रहो भाई भाई मारुक भाई पीछे आओ पीछे यहाँ पे भाई गरबा हो जाए एक बार बंधु भाई गरबा हो जाए एक बार इधर थोड़ा हम लोग के लिए होना चाहिए ना। हाँ एक पीछे रे। नाइस नाइस। भाई क्या किए आप? थैंक यू भाई। चलो खड़ा करते हैं। अब तो मुझे लग रहा है ओटीटी में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अब तो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स आनी शुरू हो गई हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू है ये अभी भी चल रहा है बिकॉज हमेशा जो फिल्म मेकर्स जो फिल्में बनाना चाहते हैं वो ज्यादा होंगे कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं। ये तो लॉटरी टिकट। आपको लगता है कि अगर पिक्चर चल गई तो जिंदगी भर के लिए आसान हो जाएगा? हाँ नहीं, मेरा मतलब डिमांड सप्लाई का जो इशू है कि अगर 1000 फिल्म बनती है रिलीज के लिए उसमें से 100 फिल्म 200 फिल्म का प्लेटफॉर्म है ओटीटीज मिला के। सो वो बाकी बेचारी 700-800 फिल्म अभी भी स्ट्रगल करती हैं टू गेट रिलीज। सो दैट कंटिन्यूज। मुझे लगता है मैंने अभी नीरज पांडे से रिसेंटली कहा, मैंने कहा स्पेशल 26 दोबारा रिलीज होनी चाहिए। उसका भी वही है, रिकॉल वैल्यू उसकी बड़ी है, इंटरेस्टिंग है बिकॉज वेडनेसडे। बट स्पेशल 26 इज अ थ्रिलर, कॉन पीपल का है वो। बट फिलहाल तो हम चाहते हैं कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा हो। एटलीस्ट इससे एक बात की खुशी तो होगी, हमको दोबारा मिलाया, हम बैठे आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। चलिए सर, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म ये रही है, आई होप कि जो पार्ट टू बनेगी जैसा कि आपने बताया कि हमें पिछले एक साल से धमकाएंगे उससे भी काफी एप्रिसिएशन मिले। बट उससे पहले वी वांट पीपल टू वॉच इट इन थिएटर्स अगेन। घोसला का घोसला 18th अक्टूबर इन सिनेमा हॉल्स नियर यू। Yeah, this is Kamal Kishore Khosla and this is Balwant Khosla. Balwant Khosla. Signing off. Thank you. फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के एक साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्व अनुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपनी माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए
अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वो अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नव नियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है, जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है, क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है, जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते है, जिसे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है, जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्यु शैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है, क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्वानुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है, जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है, क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने
चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नव नियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है, जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है, क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है, जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते है, जिससे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है, जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता, जो पहले ही मर चुका है, का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्यु सैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है, क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्व अनुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है, जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है, तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है, क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह
नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते हैं जिससे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है। जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्यु शैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्व अनुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ
घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते है, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते हैं, जिसे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्युशैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्वानुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है जिसे वह गलत समझती है।
इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते हैं, जिससे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्यु शैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्व अनुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है, जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है, जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका
दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते हैं, जिससे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्यु शैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्वानुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है, जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है, जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका
दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते है, जिसे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्यु सैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्व अनुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है, जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है, जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका
दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक मैनेला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते हैं, जिससे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्यु शैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्वानुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है, जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनेला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है, जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका
दुर्भावना पूर्णा विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते है, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते हैं, जिसे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्युशैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्व अनुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है, जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है, जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका
दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते हैं, जिससे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्यु शैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्व अनुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है, जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है, जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका
दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते हैं, जिसे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्यु शैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्वानुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है, जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है, जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका
दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते है, जिससे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्यु शैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। फिल्म की शुरुआत त्रक्ष रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्व अनुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है, जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है, जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका
दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक मैनेला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते हैं, जिससे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्यु शैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्वानुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है, जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनेला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है, जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका
दुर्भावना पूर्णा विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते है, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते हैं, जिसे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्युशैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। वेंकी मामा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म। फिल्म की शुरुआत थ्रक्स रामा से होती है, जहाँ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायणम एक ज्योतिष अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे वेंकट रत्नम के साथ रहता है। रामायणम अपनी बेटी की शादी का विरोध करता है क्योंकि उसे अपने बेटे कार्तिक के जन्म के 1 साल बाद दंपति की मृत्यु का पूर्व अनुमान हो जाता है। जैसे ही रामायणम ने ये भविष्यवाणी की थी, कार्तिक एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देता है। यहाँ राम नारायण चेतावनी देता है कि बच्चे उसके परिवार के लिए एक बुरा अनुभव लेकर आते हैं और उसको अपने नाना नानी को सौंप देने का सुझाव देता है। हालांकि वेंकी मामा इससे इनकार करते हैं और अपने नवजात भतीजे को देखभाल और स्नेह के साथ पालते हैं। यहाँ तक कि सेना में उसके नामांकन के लक्ष्य को भी छोड़ देता है। साल बीतते हैं और दृश्य कश्मीर में बदल जाता है, जहाँ वेंकट रत्नम कार्तिक की तलाश कर रहा है, जो उसे बताए बिना घर से चला गया है। तुरंत वेंकट रत्नम संरक्षित क्षेत्र में कदम रखता है और जब वह कार्तिक के बारे में सेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि वो अपने रेजिमेंट में ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वेंकट रत्नम उससे मिलने पर अड़ा रहता है, इसलिए वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कार्तिक विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी से घृणा करता है क्योंकि वह अपने चाचा के पीछे रहना पसंद करता है, लेकिन दादा हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वेंकट रत्नम ने अपने पालन पोषण के लिए अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया, इसलिए वह अपने चाचा के लिए एक आदर्श साथी खोजने का लक्ष्य रखता है। जैसे ही वह नवनियुक्त हिंदी शिक्षिका वेनिला से परिचित होता है और उसके साथ घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास करता है, जिसे वह गलत समझती है। इसके अलावा कार्तिक की पूर्व प्रेमिका हरिका
दुर्भावनापूर्ण विधायक पशुपति की बेटी गांव में आती है। इसके बाद वेंकट रत्नम को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और वह उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण जानने के लिए हरिका का पीछा करता है, जो भी गलत साबित होता है। अभी कार्तिक वेनिला को अपने चाचा के प्यार में डालने के में सफल रहता है। समांतर रूप से वेंकट रत्नम को हरिका से यह पता चलता है कि उनका अलगाव इसीलिए है क्योंकि वो कार्तिक अपने चाचा के लिए और अपने जीवन से अधिक प्राथमिकता देता है। इस बात से अवगत होने के बाद वेंकट रत्नम कार्तिक से अलग होने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है। उस समय कार्तिक घोषणा करता है कि कोई भी उसे चाचा से अलग नहीं कर सकता, जिसमें वह भी शामिल है। उनकी बातचीत को सुनकर हरिका पश्चाताप करती है और कार्तिक के गुण को समझती है। उसके बाद वेंकट रत्नम विवाह का प्रस्ताव के साथ पशुपति के पास जाता है। उस समय पशुपति आगामी चुनाव में वेंकट रत्नम की सहायता करने के बोली लगाता है क्योंकि वह वचन क्षेत्र की जनता के लिए एक अत्यादेश है। वैसे भी जब वेंकट रत्नम उसे छोड़ देता है और उसे अपमानित करता है तो योजना पीछे हट जाती है। अचानक क्रोधित पशुपति कार्तिक को मारने की योजना बनाता है जब वेंकट रत्नम उसे बचाता है। अंतराल के दौरान एक अचंभित रूप से राम नारायण दावा करता है कि कार्तिक की कुंडली के अनुसार वह अपने मामा को मारने के लिए पैदा हुआ है और उससे बचने का उपाय उसे अलग करना है। इसे सुनकर वेंकट रत्नम और कार्तिक इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह शब्द कई घटनाओं के रूप में घटित होते हैं, जिससे कार्तिक को एहसास होता है कि वह अपने चाचा की सुरक्षा के लिए घर छोड़ देता है। 3 साल बाद राम नारायण अपने चाचा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सेना में कार्तिक की उपस्थिति का वास्तविकता की घोषणा करता है। क्षण भर में कहानी वर्तमान में बदल जाता है जब वेंकट रत्नम को पता चलता है कि कार्तिक को आतंकवादियों ने अपने नेता जो पहले ही मर चुका है का बचाव करने के लिए बंधक के रूप में पकड़ लिया है। उस दुर्दशा के दौरान वेंकट रत्नम जानते हुए भी आतंकवादी के रूप में बदलने का फैसला करता है, जानते हुए भी कि यह उनका कदम आत्मघाती मिशन है। हैंड ऑफ के समय तक कार्तिक की कुंडली के कारण वह वेंकट रत्नम को निकाल देते हैं, जो उसे एक बदमाश के रूप में देख रहा था। अंत में कार्तिक अपने चाचा को मृत्यु शैया से बचाता है और आदर्शता की कुंडली का सामना करता है। बात करें फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो उसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो।